अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ चिकन करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही डिलीशियस और आसानी से बन जाती है। तो उसके लिए हमें कुछ मसालों की ज़रूरत होगी। तो मैंने दो मीडियम साइज़ की अनियन ले लिया है, उसे कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने हाफ कप खोपरा ले लिया है, कोकोनट, ये सूखा खोपरा है, इसे मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और उसे कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर सीड लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने सौंफ लिया है, फेनल सीड, और थोड़े से हरे मसालों में मैंने कोरिएंडर लीव लिया है, हैंडफुल कोरिएंडर लीव है, और ग्रीन चिलीज़ है, जो कि ये मसाले हमें लगेंगे। और साथ ही में मैंने यहाँ पर 1/2 kg चिकन लिया है विद बोन, और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की टमाटर ले ली है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। जब हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें हम 1 सिनेमन स्टिक, 2 छोटी सी इलायची और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, और साथ ही में हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हमारा चिकन को मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, और अभी हम इसे थोड़ा सा ऑयल के साथ और गरम मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप इसे मिक्स करते जाइए ऑयल में। हमें थोड़ा सा इसे भून लेना है, और साथ ही में हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो कि है 1 टेबल स्पून, और अदरक लहसुन के साथ भी हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और हल्दी पाउडर डालने के बाद भी हम चिकन और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। देखिए, थोड़े टाइम के बाद, ये 4 से 5 मिनट हुए हैं भूनने के बाद, तो इस तरह से आपका चिकन हो जाएगा। और मैंने साथ ही में पानी गर्म करने रख दिया था। तो यहाँ पे मैं गरम पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आप अगर गरम पानी डालते तो आपके चिकन करी का टेस्ट ख़राब नहीं होता है। तो कोशिश करिएगा कि हमेशा गरम पानी डालें। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो उसमें। और इसे हम अभी ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। यहाँ पर साथ ही में मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 मीडियम साइज़ की अनियन, 3 से 4 हरी मिर्ची और 3 से 4 कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर देंगे, और इसे सॉटे कर देंगे ऑयल में। जब हमारा अनियन इस तरह से लाइट ब्राउन होने लगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसी तरह से लाइट ब्राउन ही रखना है। तो जब इस तरह से हो जाए तो इसमें हम 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये स्लो फ्लेम पे ही आपको ऐड करना है। और साथ ही में ये वो मसाले हैं जो हमने स्टार्टिंग में बना के रखा था, तो हम इसे इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी हमें मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गया इस मसाले को भूनते भूनते, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो अभी हमें इसे ऑफ़ कर देना है, और यहाँ पर हमारी चिकन करी जो है इसमें ऐड कर देना है इन मसालों को, और चिकन करी के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हमने चिकन को भी पहले ही कुक कर लिया है अच्छे से, और हमारे मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, तो अभी हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ऑयल अभी से ही सरफेस पे आ गया है इस तरह से। जैसे जैसे आप इसे भूनते जाओगे, ये इसका ऑयल बाहर आता जाएगा। तो हमारी चिकन करी रेडी हो चुकी है, तो अब इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे, और साथ ही में मैंने फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दिया है थोड़ा सा, और इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हाँ, चिकन भी हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो मैं इसे कट करके बता देती हूँ आपको, ये अच्छे से पक चुका है। तो हमारी
डिलीशियस वाली चिकन करी रेडी हो गई है। साथ ही में ये लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया, ये ऑप्शनल है टोटली। तो एक सर्विंग बाउल ले लेंगे और इसमें हम चिकन करी को सर्व कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसी लगी। और साथ ही में अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।